देखो बच्चों, थिंग्स लाइक एयर, ट्री, वाटर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स। मतलब क्या है कि जो हमारे अगल बगल पानी रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, इंसान रहते हैं, आप खुद हो एक इंसान, जानवर रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल थिंग है। नेचुरल थिंग मतलब जो ईश्वर ने बनाई हुई है, ठीक है। और थिंग्स लाइक चेयर्स, बुक्स, हाउसेस एंड रोड्स आर मैन मेड थिंग। और जो इंसानों ने बनाई है, जैसे चेयर्स इंसानों ने बनाई है, बुक्स इंसानों ने बनाई है, हाउसेस घर इंसान लोग बनाते हैं, एंड रोड सड़कें, ये सब क्या है, मैन मेड थिंग। तो बच्चों आप लोगों ने समझा नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं। ओके देखो यहाँ पे क्या है, राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स इन द बॉक्स गिवन बिलो ईच पिक्चर। तो आपको ये एक्सरसाइज खुद करना है, आप लोग अपनी बुक ओपन करोगे और इसमें जो नेचुरल थिंग्स है उसके नीचे एन लिखना है, और जो इंसानों ने बनाया है, जो मैन मेड थिंग्स है, उसके नीचे एम लिखना है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मशीन। मशीन क्या है, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, पीपुल यूज मशीन्स टू मेक देयर वर्क इजियर, ईच मशीन डज ए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। मशीन क्या होती है, मैन मेड थिंग्स होती है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जो इंसान बनाते हैं वो एक मशीन होती है। पीपुल यूज मशीन, बहुत सारे लोग मशीन को यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीन यूज करते हैं। ईच मशीन डज ए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, और हर एक मशीन का अलग अलग काम होता है। जैसे ये टोस्टर है, आप देखते होंगे, आप बहुत सारे बच्चों के घरों में होगा, टोस्टर है, टोस्टर एक मशीन है जिसमें ब्रेड, बहुत सारे लोग मम्मी लोग, आप लोगों ने देखा होगा, मम्मा लोग कभी कभी तावे पर बैठ सकते हैं, उनके हाथ जल जाते हैं, इसलिए टोस्टर एक मशीन है जिसमें हमारा ब्रेड अच्छे से सेका जाता है। फ्रिज, आजकल गर्मी का मौसम है, सारे बच्चे आइसक्रीम खाते होंगे, सारे बच्चे पानी पीते होंगे ठंडा ठंडा, तो एक फ्रिज भी मशीन है जो बच्चे जो बहुत जल्दी से पानी ठंडा कर देती है। ये मिक्सर है, आप लोग बहुत सारा मसाला स्पाइसी वाला खाना खाते होंगे, तो ये सब क्या है, मशीन है। ओके जो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से चलती है, जो लाइट से चलती है। और एक मशीन देखो, और भी सारी मशीन है, कार है, बाइक है, और ये एरोप्लेन है, जो रन ऑन फ्यूल, जो फ्यूल पेट्रोल से चलती है। वॉच है, कैमरा है, कैलकुलेटर है, इसको क्या करना होता है, इसको जरूरत पड़ती है किसकी, सेल की, बैटरी की। साइकिल है, नेल कटर है, सीजर है, नीड ह्यूमन पावर टू वर्क। इन सब में क्या है, ह्यूमन का पावर लगेगा। जब इस साइकिल जब आप चलाते हो, आप जब कोई भी इंसान करता है तभी चलती है। नेल कटर को भी करना पड़ता है, सीजर मतलब क्या है, नीड ह्यूमन पावर टू वर्क, ह्यूमन पावर, ह्यूमन के पावर की जरूरत पड़ेगी। ओके okay?